भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर आज देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रोला में इस अवसर पर आईएसबीटी कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष पवन नोटियाल ने कहा कि 6 अप्रैल 1980 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बनी बीजेपी मात्र 2 सांसदों की पार्टी थी, लेकिन आज देश भर के तमाम राष्ट्रवादियों के समर्थन व निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को भारत ही नहीं अपितु विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक दुर्गेश लाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं अपितु आज भारत को जो महाशक्ति की पहचान मिली है उसके लिए पार्टी के जनसंघ के समय के संस्थापक सदस्यों से लेकर आज तक के हर कार्यकर्ता का योगदान है। सर पर जिला महामंत्री सत्येंद्र राणा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत को विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कहा कि आज भारत का नेतृत्व एक दूरदर्शी सोच व सकारात्मक नजरिया रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथ में है। उनकी कर्मनिष्ठा से आज भारत एक महाशक्ति के साथ विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यही नहीं, हथियारों का आयातक भारत अब ब्रह्मोस मिसाइल व तेजस फाइटर विमानों का भी निर्यात कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम संपूर्ण देश में आयोजित किया गया और इसी क्रम में आज उत्तरकाशी जनपद के सभी 15 मंडलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसी परिप्रेक्ष्य में आज पुरोला मंडल के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने यहाँ पर भारतीय जनसंघ के समय से जो लोग भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे उनको भारतीय जनता पार्टी ने आमंत्रित करके उनका सम्मान किया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सभी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी मार्गदर्शन सबको मिला और भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं तो दुनिया की इस समय सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी भारत को एक सुदृढ़ समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है। ऐसे विचार के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में देश और राष्ट्र के गौरव के लिए देश और मेरा राष्ट्र प्रथम व्यक्ति द्वितीय और मैं अंतिम ऐसे भाव लेकर के काम करने का आह्वान और ऐसे विचार लेकर के हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं।